बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। जब से ब्रेक्सिट की खबरें आई हैं, ब्रेक्सिट होने जा रहा है, उस वक्त से वो लोग जिनको नेशनलिटी बर वक्त मिली वो तो वहाँ पे चले गए। 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले उन्होंने अपने प्रूफ बनाए और प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई कर दिया, और उनमें से अक्सरियत को प्री सेटलमेंट स्टेटस मिल चुका है। अब वो यूके में काम कर रहे हैं और रह रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को भी वहाँ पे बुलवा रहे हैं। लेकिन वो लोग जो पीछे रह गए हैं, जो यूरोपीय यूनियन में चंद महीने, चंद दिन, चंद हफ्ते, यानी ये उनको पासपोर्ट बाद में मिला या अभी मिल रहा है या मिलने वाला है, उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि वो यूके में जाएँ और वहाँ पर रहें। अब उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है एक नया प्लान जो है वो यूरोपीय यूनियन के लिए निकला है। बिलाशुबा ये उसका मुकाबला नहीं करेगा जो प्री सेटलमेंट स्टेटस है या सेटल स्टेटस है, लेकिन किसी हद तक आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी न किसी तरह से मददगार साबित होगा। क्योंकि अगर आप यूके में एक मरतबा लीगल काम कर लेते हैं और नेक्स्ट भी आपके लिए परमानेंट वहां पर रहने के लिए रास्ते खुल सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्कीमें आने वाले वक्त में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आ जाएंगी, जिससे नए दरवाजे ओपन होंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि अब तक 5 यूके के सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अनाउंस किया है कि उनको लेबर की ज़रूरत है, और उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला है कि हमें लेबर की ज़रूरत है, जिसकी वजह से यूके की गवर्नमेंट ने सीजनल वर्क परमिट्स का ऐलान किया, और स्पेशली फॉर यूरोपीय यूनियन, वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए उन्होंने किया। उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए, और जिस प्रोफेशन के लिए आप आना चाहते हैं उसका आपको एक स्पॉन्सर वर्क परमिट होना चाहिए। जिस तरह से यूके में शॉर्टेज का सामना है, ताज़ा तरीन न्यूज़ के मुताबिक कंस्ट्रक्शन के शोबे में भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है, और वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसकी शिकायत करना शुरू कर दी है। इसके बारे में अगर लोग इन शोबों के बारे में प्रोफेशनल हैं तो वो लाजमी तौर पे अगर ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे तो उनके एम्प्लायर जो है वो लाजमी तौर पे उनको स्पॉन्सर वर्क परमिट भेजेंगे, और उसकी बेस पे वो यूके में जाके काम कर सकते हैं। यूके में काम करने के दौरान वहाँ पे परमानेंट हो सकते हैं, उसके बाद वहाँ पे जो है नेशनलिटी की तरफ जा सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सीजनल वर्क परमिट जो है वो एक ख़ास मुद्दत के लिए आपको इशू किया जाएगा, उसके बाद या तो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा या मुल्क छोड़ना पड़ेगा। ये आपने ज़रूर जहन में रखना है कि परमानेंट वर्क परमिट और सीजनल वर्क परमिट में फ़र्क होता है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ का लिंक जो ताज़ा तरीन यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉन्च किया गया है, होम ऑफिस की वेबसाइट पे, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप क्लिक करके इसको ख़ुद भी रीड कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।